गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मुकेश गोयल टांडिया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी से। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन का सेकेंड लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम गेट साइकिल, स्टांस फेज, स्विंग फेज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल गेट के बारे में पढ़ेंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल गेट, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल गेट के अंदर हम छह तरह के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, विड्थ ऑफ वॉकिंग बेस, हॉरिजॉन्टल डिप ऑफ पेल्विस, फ्लेक्शन ऑफ नी ड्यूरिंग स्टांस फेज एंड कैडेंसी। इन छह के बारे में अपनी डिटेल से पढ़ेंगे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। इन द नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न द सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज थ्रू ए रिदमिक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इन दिस पैटर्न हाईएस्ट पॉइंट इन मिड स्टांस या सिंगल सपोर्ट, लोवेस्ट पॉइंट इन डबल सपोर्ट। इन दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैविंग इन अडल्ट मेल मैक्सिमम 2 inches। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल ह्यूमन वॉकिंग में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है और उस टाइम अगर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो एक बार अप आता है और एक बार डाउन आता है। जो अप पॉइंट होता है वो हमेशा सिंगल सपोर्ट रहता है और डाउन पॉइंट जो होता है वो हमेशा डबल सपोर्ट रहता है। जैसा कि अपने पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सिंगल सपोर्ट में मिड स्टांस फेज होती है और डबल सपोर्ट में हिल कॉन्टेक्ट टू फुट फ्लैट एंड हिल ऑफ टू टॉप, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो 2 इंच तक रहता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न, वेट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लेग टू अनदर लेग। दिस वेट इज ट्रांसफर थ्रू पेल्विक एंड ट्रंक। इन दिस स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस साइड टू साइड विद इन द रेंज ऑफ 2 इंच। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल पर्सन जब नॉर्मल गेट वॉकिंग करता है उस कंडीशन में पेल्विक जो है वो साइड टू साइड डिस्प्लेस्ड होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी साइड टू साइड डिस्प्लेस्ड होती है, वो मैक्सिमम जो है वो 2 इंचेस रहती है। विड्थ ऑफ वॉकिंग बेस, विड्थ ऑफ वॉकिंग बेस इज टाइम ऑफ नॉर्मल वॉकिंग मिड पॉइंट ऑफ हिल कॉन्टैक्ट ऑफ ईच फुट। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल वॉकिंग में अगर बोथ लेग्स की हिल कॉन्टेक्ट के बीच अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 inches to 4 inches के बीच में होगा। हॉरिजॉन्टल डिप ऑफ पेल्विक इन नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अप टू 5 degree। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि टाइम ऑफ नॉर्मल वॉकिंग पेल्विक हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड होता है जो कि 5 degree तक रहता है। नी फ्लेक्शन ड्यूरिंग स्टांस फेज, नी फ्लेक्शन ड्यूरिंग स्टांस फेज इन दिस नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न मिनिमाइज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नी फ्लेक्शन ड्यूरिंग द स्टांस फेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि वर्टिकल डिस्प्लेस्ड होती है उसको कम करता है। कैडेंसी, इट इज द नंबर ऑफ स्टेप टेकन पर मिनट। जैसा कि मैं बता दूं कि नॉर्मल फीमेल में कैडेंसी जो है वो 116 स्टेप और मेल के अंदर 110 स्टेप होते हैं। जैसा कि अपने पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे डबल सपोर्ट बढ़ता है स्पीड कम होती जाती है, जैसे जैसे डबल सपोर्ट कम होता है तो स्पीड बढ़ती जाती है। यानी कि अपने कह सकते हैं कि डबल सपोर्ट बढ़ेगा तो कैडेंसी कम होगी और डबल सपोर्ट घटेगा तो कैडेंसी बढ़ेगी। थैंक यू।